आपके पास थर्ड फिल्म आई थिंक इट्स विद मोहित एंड दिस टाइटल टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस जर्नी. फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एवरीवन. एक्चुअली मुझे पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ. बहुत बहुत नर्वस हूँ. बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरे लिए. एक पहली बार एक टाइटल रोल निभा रही हूँ तो डेफिनेटली प्रेशर बहुत ज़्यादा है. पहली बार एक एडाप्टेशन का हिस्सा बन रही हूँ एक कैरेक्टर जो इन्होंने लिखा है और एंड ऑफ कोर्स मोहित हैज़ ब्रॉट हर टू लाइफ. तो एक्चुअली मैं पिछले दो हफ्ते से सो नहीं पा रही हूँ बिकॉज आई फील कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग सो प्रेशर्ड एंड सो नर्वस अबाउट बींग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड बींग अर्जुन्स हाफ गर्लफ्रेंड. माधव झाज हाफ गर्लफ्रेंड. डेफिनेटली यार मेरी हाफ गर्लफ्रेंड होने का इतना प्रेशर मत लो. है तो ऑफकोर्स गर्व महसूस होता है जब राइटर को और डायरेक्टर को लगता है कि यू नो यू कैन प्ले दैट टाइटल रोल एंड यू कैन डू जस्टिस टू इट. सो आई होप दैट आई हैव एंड आई होप कि जब आप सब ट्रेलर देखेंगे आपको ट्रेलर पसंद आए. एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटेंस इमोशनल स्टोरी एंड दैट इज समथिंग दैट जो मोहित है मास्टर उसके. एंड आई होप दैट यू गाइज एंजॉय इट. पोस्टर्स पे तो मैंने देखा है बहुत रिस्पॉन्स है. एक ने लिखा था कि अगर हाफ गर्लफ्रेंड ऐसी लगती है तो मुझे फुल गर्लफ्रेंड चाहिए ही नहीं कभी. तो मेरे को हाफ ही काफी है. आई होप यू वुडंट राइट दैट. नहीं मैंने नहीं. हां ठीक ठीक. मैं नहीं. तो वो कॉम्प्लीमेंट है. तो थैंक यू हूएवर सेड दैट. अर्जुन वन या अर्जुन पंजाबी मुंडे आप बने हो. हां मेरी ही किताब में पहले एक्चुअली पैदा भी वैसे ही हुआ था. पैदा भी हुए हो तो वो भी टफ रहा होगा. जस्ट टू क्लेरिफाई. हां वो टफ रहा होगा. लेकिन ये बिहारी यू नो एंड दैट टू फ्रॉम अ बुक एंड देन अ वेरी इमोशनल मूवी जिसमें आपको कन्विंसिंगली आपको कहीं ना कहीं था कि लोग जज करेंगे आपको क्या होगा क्या क्या आपको लग रहा था. अगर ऐसे सोचना शुरू कर दे एक्टर की मैं यहाँ का एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो उस पर प्रेशर ज्यादा है तो क्या होता है देन यू गेट कॉट अप इन दैट. द पॉइंट इज कि आप स्क्रिप्ट को पढ़ो उसे समझो डायरेक्टर के साथ समय बिताओ एंड यू प्ले इट एज ऑनेस्टली एंड सिंसियरली एज पॉसिबल. एंड ऑब्वियसली डायलैक्ट बॉडी लैंग्वेज एक जो पर्सोना होती है कैरेक्टर की एक जो जर्नी होती है जैसे हमारे स्क्रिप्ट में जो मोहित ने कहा एक लंबी जर्नी है. तो यू वॉन्ट द कैरेक्टर टू इवॉल्व द वे द डायरेक्टर्स इमेजिन. तो एक पहलू पे ध्यान देके कभी पिक्चर नहीं करनी चाहिए एज एन एक्टर. आई ऑलवेज फील इट शुड बी द सम इज ऑलवेज बिगर देन इट्स पार्ट्स. तो ये छोटे छोटे पहलू होते हैं जो एक फिल्म को बड़ा बनाते हैं. तो यू टू कीप द फिल्म इन माइंड एंड आई थिंक इट्स बेटर आप लोग ट्रेलर देखो फिर इन सब चीजों पे चर्चा करने में मजा आएगा. मुझे बार बार वो कह रहे हैं कि मुहूर्त हो गया है ट्रेलर का बालाजी फिल्म्स ऑफ कोर्स. तो मतलब अगर चेतन आप इजाजत दो तो हम लोगों को दिखा दे. अभी आप लोगों के लिए हमने स्पेशल फ्रंट रो सीट्स यहाँ रखी.